बाइनरी सेमाफोर प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम यूज करते हैं सेमाफोर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, सेमाफोर दो टाइप के होते हैं, काउंटिंग सेमाफोर एंड बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर में जो वैल्यू है, बिकॉज सेमाफोर क्या है एक्चुअल में, इंटीजर वेरिएबल, इट इज अ इंटीजर वेरिएबल विच इज शेयर्ड बाय अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस इन अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर। अब काउंटिंग सेमाफोर में जो वैल्यूज होती हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करती है। मतलब हम सारे जो केसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं सेमाफोर की हेल्प से, लेकिन जो सेमाफोर की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करती है। लेकिन बाइनरी सेमाफोर, जब नाम ही बाइनरी है, मतलब दो ही वैल्यूज हैं, जीरो एंड वन, तो हम यहाँ पे सिर्फ जीरो एंड वन दो ही नंबर्स को यूज़ करेंगे और हम सारे कोड्स को चेक करेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो काउंटिंग सेमाफोर में इनफाइनाइट तक वैल्यूज है और वही सेम काम हम जीरो एंड वन सिर्फ दो डिजिट से कर रहे हैं, तो व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग द काउंटिंग सेमाफोर। तो इसीलिए काउंटिंग सेमाफोर बहुत कम यूज होता है, ये इजी है यूज करना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस। डाउन एंड अप दो ऑपरेशंस हैं, डाउन एंड अप। डाउन को हम पी ऑपरेशन भी बोलते हैं, डाउन को हम वेट भी बोलते हैं, ऐसे ही हम अप को V बोलते हैं, एंड सिग्नल वी कॉल इट एज सिग्नल। दीज आर सिनोनिम्स ओनली, डाउन पी वेट दिस इज सेम, अप वी सिग्नल दीज आर सेम। सो लेट सी व्हाट इज द डाउन ऑपरेशन। डाउन मीन्स लेट से सेमाफोर वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड विद वन, सेमाफोर वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड विद वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन। डाउन मीन्स इफ सेमाफोर वैल्यू इज डबल इक्वल टू वन, यस सेमाफोर वैल्यू इज one, then it will make the value zero. Means it is a successful operation. इसको हम बोलते हैं successful operation. अगर आपको semaphore की value one मिल जाए और उसके बाद down operation है, तो आपको simply क्या करना है, down मतलब value को one से zero कर देना है, that is called the successful operation. मतलब वो process ने successful operation perform की है down के ऊपर। लेकिन अगर सेमाफोर की वैल्यू जीरो है, इन एनी केस सेमाफोर वैल्यू दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो जीरो एंड वन। अगर वैल्यू वन है तो जब हम डाउन, हम सिर्फ अभी डाउन की बात कर रहे हैं, या तो वैल्यू जीरो हो सकती है या वैल्यू वन हो सकती है। अगर वैल्यू वन है तो डाउन करेंगे वैल्यू को वन से जीरो, दैट इज कॉल्ड द सक्सेसफुल ऑपरेशन। मतलब ये लाइन बिल्कुल सक्सेसफुल चली है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने के चांसेस हैं प्रोसेस के। लेकिन अगर सेमाफोर की वैल्यू जीरो है तो जीरो से डाउन नहीं करनी, बिकॉज दो ही वैल्यू है जीरो एंड वन, कभी माइनस वन मत लिख देना यहां पे, जीरो से वैल्यू जीरो ही रहेगी, लेकिन वो प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वो सस्पेंड लिस्ट में चला जाएगा, या जिसको हम बोलते हैं इसको अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड द अनसक्सेसफुल ऑपरेशन। तो वही लिखा हुआ है, इफ सेमाफोर वैल्यू इज डबल इक्वल टू वन, मीन्स इफ इट इज वन मेक द वैल्यू टू zero and this is called the successful, and else means if it is not zero then block the process and place it in the suspended list, ya jisko hum bolte hain sleep, matlab uska jo process control block hai, jo pcb hai, wo hum block state mein, matlab hum block queue mein rakh denge usko, later on kabhi wo dobara unblock hoke chalega, kaise chalega wo hum अप में देखते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द डाउन ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लेकिन आपको कोड को याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम का, चाहे प्रोड्यूसर कंज्यूमर, चाहे डाइनिंग फिलोसोफर, या कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको यू डोंट नीड टू रिमेंबर द कोड, आपको सिर्फ अप एंड डाउन क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं सिर्फ यही याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लेट से अप, दूसरा ऑपरेशन कौन सा, अप, या जिसको हम बोलते हैं V और सिग्नल। अप मीन्स लेट से S वैल्यू इज जीरो, अगेन S की वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो जीरो या वन। अगर S की वैल्यू जीरो है तो ये वैल्यू को क्या कर देगा, वन कर देगा, और अगर S की वैल्यू वन है तो वैल्यू वन की वन ही रहेगी। मीन्स इफ अप मीन्स इफ सस्पेंड लिस्ट इज एम्प्टी, पहले ये चेक करता है ये वाली कंडीशन, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि किसी प्रोसेस ने ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, लेट्स से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ऑलरेडी एक प्रोसेस गया,
किसी दूसरे प्रोसेस ने ट्राई किया, लेट्स से कि P1 आया, P1 कैसे आएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, वो पहले डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, S की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में 1 थी, यस, उस वैल्यू को 0 कर देगा, मतलब S की वैल्यू जो 1 थी 1 से 0 हो गई, सक्सेसफुल, और प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। अब किसी और प्रोसेस ने ट्राई किया, लेट्स से P2 ने ट्राई किया या P3 ने ट्राई किया, अगर P2 ट्राई करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेमाफोर, 0, तो इफ सेमाफोर वैल्यू इज डबल इक्वल टू 1, नो, तो एल्स वाली कंडीशन क्या है, ब्लॉक दिस प्रोसेस, मतलब P2 P3 P4 जितने भी प्रोसेसेस इसके बाद आएंगे वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो अप में हम सबसे पहले यही चेक कर रहे हैं कि क्या ऑलरेडी कोई प्रोसेस ब्लॉक है, पास्ट में कभी वो ब्लॉक हुआ इस कंडीशन की वजह से, क्या कभी वो ब्लॉक हुआ, क्योंकि हम सबसे पहले उनको अनब्लॉक स्टेट में लेके आएंगे, मतलब उनको हम रेडी क्यू में लेके आएंगे ताकि उनको हम चांस दे सके एग्जीक्यूट होने का। अगर वो ब्लॉक में रहेंगे तो उनकी टर्न नहीं आएगी, तो इसीलिए हम सबसे पहले सस्पेंड लिस्ट, मतलब ब्लॉक वाली जो क्यू है उसको चेक कर रहे हैं, क्या वो क्यू एम्प्टी है, अगर वो क्यू एम्प्टी है तो हम एस वैल्यू को 1 कर देंगे, मतलब अगर एस वैल्यू, लेट से एस वैल्यू इज 0, स्टार्टिंग में एस वैल्यू अगर 0 है, पहले चेक करेगा ये सस्पेंड लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, अगर सस्पेंड लिस्ट एम्प्टी है तो वैल्यू ऑफ 0 को सक्सेसफुली 1 कर देगा। अगर सस्पेंड लिस्ट एम्प्टी नहीं है, मतलब ऑलरेडी कुछ प्रोसेसेस हैं जो ब्लॉक स्टेट में पड़े हैं, तो ये एस की वैल्यू को 0 ही रखेगा, एल स्टेट में आ जाएगा, बिकॉज लेट्स सपोज कि कुछ प्रोसेसेस जो ब्लॉक स्टेट में पड़े थे, तो अगर इन केस इवन अ सिंगल प्रोसेस इज देयर इन द ब्लॉक स्टेट, इट विल जंप टू द एल्स पॉइंट और वहां पे क्या करेगा, सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम द सस्पेंड लिस्ट एंड वेकअप, मतलब ब्लॉक लिस्ट में से एक प्रोसेस को उठाएगा, उसको वेकअप करेगा, वेकअप मींस उसको रेडी स्टेट में डालेगा ताकि वो फ्यूचर में चल सके। एंड अगर एस की वैल्यू लेट से 1 है, एस की वैल्यू 1 है, चाहे एस की वैल्यू 0 है या 1 है, इसने सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, सस्पेंड लिस्ट से। अगर सस्पेंड लिस्ट एम्प्टी है तो अगर सेमाफोर की वैल्यू 1 है तो वो 1 की 1 ही रहेगी, और इन केस अगर सस्पेंड लिस्ट एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ प्रोसेसेस जो ब्लॉक स्टेट में पड़े हैं, तो अप की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वो पहले ब्लॉक स्टेट से कुछ प्रोसेसेस को अनब्लॉक करेगा, उसके बाद वो फर्दर मूव करेगा। तो वही है कि एस की वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो, इसने सबसे पहले सस्पेंड लिस्ट में चेक करना है कि कोई प्रोसेस तो नहीं है जो ब्लॉक स्टेट में पड़ा है, अगर ब्लॉक में पड़ा है तो इसने सबसे पहले उसको वेकअप करना है, अगर ब्लॉक में कोई भी नहीं पड़ा, सिंपली सेमाफोर की वैल्यू को 1 कर देना है, अगर सेमाफोर की वैल्यू 0 है तो वो 1 हो जाएगी, अगर ऑलरेडी 1 है तो वो 1 ही रहेगी। दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ द डाउन एंड अप। लेट सी विद अ स्मॉल एग्जाम्पल हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट से देर आर टू प्रोसेसेस P1 एंड P2। P1 इज एग्जीक्यूटिंग डाउन ऑफ S क्रिटिकल सेक्शन अप ऑफ S। P2 इज एग्जीक्यूटिंग सेम डाउन ऑफ S अप ऑफ S। नाउ P1 और P2 में से कोई भी प्रोसेस, दोनों पैरेलल प्रोसेसेस हैं, कॉपरेटिव प्रोसेसेस हैं। कॉपरेटिव मींस दोनों कुछ ना कुछ कॉमन शेयर कर रहे हैं, और वो कॉमन कहां पड़ा है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पड़ा है वो कॉमन चीज। लेट से कि P1 आता है, अगर दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है, दोनों पैरेलली भी आ सकते हैं। लेट से कि अगर P1 आ गया डाउन ऑफ S, अगर S की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरी 1 है, लेट से स्टार्टिंग में S की वैल्यू अगर 0 है, लेट से स्टार्टिंग में S की वैल्यू 0 है, तो मेरा ऑपरेशन क्या है, डाउन ऑफ S। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन, इफ S वैल्यू इज डबल इक्वल टू 1, फॉल्स, तो ये वाला प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, मतलब P1 ब्लॉक। P2 कहता अच्छा चलो ये ब्लॉक हो गया, तो कंट्रोल P2 के पास आ गया, P2 कह रहा है कि शायद मैं चल सकूं, लेकिन P2 में भी क्या लिखा है, डाउन ऑफ S, एंड व्हाट इज द S वैल्यू, 0, तो S वैल्यू 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए सेमाफोर की वैल्यू को जब हम इनिशियलाइज करते हैं बहुत ही ध्यान से करनी है, लेकिन आपको इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है, गेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आपको ऑलरेडी गिवन देंगे कि सेमाफोर की वैल्यू क्या है। तो लेट से सेमाफोर की वैल्यू 1 है, अगर सेमाफोर की वैल्यू 0 होती तो P1 एंड P2 दोनों
ब्लॉक हो जाते, मतलब डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लेट से एस वैल्यू इज 1, डाउन ऑफ एस कोई भी चल सकता है दोनों में से, लेट से पी टू, चलो पी टू चल रहा है, डाउन ऑफ एस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन ऑफ एस, इफ एस वैल्यू इज डबल इक्वल टू 1, ट्रू, एस वैल्यू बिकम्स 0। तो ये वाली लाइन, दिस लाइन इज सक्सेसफुल, जो मैं सक्सेसफुल ऑपरेशन की बात कर रहा था, यानी ये वाला जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल डन हो गया, तो यानी पी टू क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। नाउ लेट से कि पी वन आ गया, उसी टाइम पे पी वन आ गया, पी वन कह रहा है कि मेरे को भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है, क्या वो यूज कर सकता है, लेट से डाउन ऑफ एस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, डाउन ऑफ एस, व्हाट इज एस वैल्यू 1, और यहां पे एस वैल्यू क्या है 0, क्या 0 इक्वल टू 1 है, फॉल्स, ब्लॉक दिस प्रोसेस, मतलब पी वन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, पी वन क्या हो जाएगा, ब्लॉक, दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेमाफोर डाउन। तो अब क्या होगा, P1 तो ब्लॉक है, P1 की टर्न नहीं आएगी, और यही हम चाहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब एक अगर सेमाफोर, एक अगर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है, दूसरा ना कर पाए, तो P2 ऑब्वियसली अंदर बैठा है तो P2 को नहीं आने दे रहे। अब P2 लेट से कि P2 बाहर आ गया, मतलब अप ऑफ एस किया, बाहर आएगा, तो बाहर आने के टाइम पे क्या करेगा, अप ऑफ एस, इफ सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, नो, सस्पेंडेड लिस्ट में P1 पड़ा हुआ है, तो अगर सस्पेंडेड लिस्ट में P1 पड़ा है तो इसने क्या करना है, सिलेक्ट अ प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है, दैट इज P1, उसको सस्पेंड लिस्ट से वेकअप कर देगा, मतलब रेडी क्यू में डाल देगा, इट विल पुट इट इन द रेडी क्यू, ताकि उसकी टर्न अब आ जाए, ताकि उसकी जो टर्न है वो आ सकती है। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द डाउन ऑपरेशन एंड अप ऑपरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे हम परफॉर्म करते हैं डाउन एंड अप इन दोनों ऑपरेशन में। लाइक कभी भी आपको कोई भी गेट का क्वेश्चन आता है या कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देखते हो, तो आपको कोड को याद करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, आपको सिर्फ इन दो ऑपरेशन को चेक करना है कि कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर इनकेस कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।